अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉर्न को छीलने और उसको बॉयल करने का तरीका सिखाऊंगी। ये कॉर्न आजकल सर्दियों में आए हुए हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर यही कॉर्न हम किसी मार्ट से या किसी शॉपिंग मॉल से लेके खाएं तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही तैयार करें। देखिए, मैं इसको छीलने का पहले सबसे पहले तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। सबसे पहले स्पून की मदद से हम इसकी वन लाइन जो होती है उसको हम निकाल देते हैं। जब हमारी एक लाइन स्पून से निकल जाती है तो इसके बाद हम इसको आसानी से इसके दानों को अलहदा कर सकते हैं। अगर हम वैसे ही इसको दानों को अलहदा करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल से होते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके को फॉलो करें तो इसके ज़रिए दाने इसके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने कॉर्न बॉइल करने के लिए लिया है, ये कॉर्न हमने बिल्कुल पका हुआ लिया है, मोटे दानों वाला। अगर हम भून के खाते हैं तो अमूमन हम कच्चे दानों वाला लेते हैं, सॉफ्ट था, लेकिन बॉयल करने के लिए हमें मोटे दाने वाला पका हुआ कॉर्न चाहिए होता है। यहाँ पर मैं कॉर्न को देख रहे हैं आप कितने मज़े से, आराम से, सुकून से थंब के ज़रिए निकाल रही हूँ और इसके साथ बहुत ही सारे कॉर्न एक साथ निकलते हुए आ रहे हैं। तो ये तरीका जो है बहुत ही आसान है, इसके ज़रिए हम कॉर्न को आराम से अलहदा कर लेते हैं। वैसे अमूमन जो हम मैं पहले कॉर्न बनाती थी उसमें मैं कॉर्न को ऐसे हाफ कर देती थी बीच में से और उनको बॉयल करके बच्चों को देती थी, लेकिन इस तरह कॉर्न जो है बच्चे तो आसानी से खा लेते हैं, लेकिन बड़ों के लिए खाना थोड़ा मुश्किल होता है। ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग जो होते हैं जिनके दांत वीक होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, लिहाजा मैं इसको निकाल कर और बॉयल कर देती हूँ। तो अब सबके लिए खाना बहुत आसान हो जाता है और बच्चे भी इजीली खाते हैं। तो ये देख रहे हैं मैंने इस तरह सारे कॉर्न जो है उनको पहले हमने दाने मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब ये जब दाने अलहदा मैं कर लूँगी तो फिर इसके बाद मैं इसको बॉयल करूँगी और बॉयल करने के बाद अपने हिसाब से जितना फ्लेवर, जो भी फ्लेवर ऐड करना होगा वो ऐड करके सब अपना सुकून से खाएंगे। यहाँ मैंने एक पॉट लिया, कॉर्न को पहले मैंने सब अलहदा कर लिया और अलहदा करने के बाद मैंने एक पॉट लेकर उसमें डाल के इसको एक दफ़ा से वॉश कर लूँगी ताकि जो इसमें धागे वगैरह आ गए थे वो निकल जाएँ। यहाँ पर मैंने इसको वॉश करके रखा है और रखने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास तीन बड़े साइज़ के कॉर्न थे, लिहाजा मैं इसमें 3 से 4 कप पानी ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद इसको मैंने फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया और इसके साथ साथ इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। और करने के बाद इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 घंटे से 1.25 घंटे तक, यानी 60 से 75 मिनट तक तकरीबन मैं इसको बॉयल करूँगी। आप अपने हिसाब से खोल के देख लीजिएगा, 35 मिनट्स के बाद भी आप चेक कर रहे हैं, 45 मिनट्स के बाद चेक करें, अगर ये आपका कॉर्न गल जाता है अपने आपके हिसाब से तो आप चूल्हा बंद कर दें। यहाँ मैंने पहले कॉर्न को चेक किया था 45 मिनट्स के बाद तो ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो इसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स और उसको बॉयल किया तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है यहाँ पर। और सॉफ्ट होने के बाद हम इसको मज़े से खा भी सकते हैं। इसके साथ साथ अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमें कॉर्न सूप बनाना है, चिकन कॉर्न सूप, तो उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी, अब हमारा ये कॉर्न तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने पसंद का फ्लेवर कोई भी डाल लें, कॉर्न सोया सॉस डालें, लीमू डालें, चाट मसाला डालें या आप बटर ऐड करें और मज़े से खाएं। इस तरह बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपके कॉर्न तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक पसंद कीजिए, आएगी तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।